तो सही बच्चे होंगे 20 राम सावधान। तो बच्चों आप सबको पता ही होगा आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज स्कूल के अंदर फंक्शन होगा, आपको इनाम दिया जाएगा जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। तो हम लोग सभी खड़े होकर सावधान स्थिति में राष्ट्रगान गाएंगे और कोई बच्चा हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं तो लठ बिल्कुल टूटेगा। ध्यान रखना इस बात के लिए, सावधानी बरतनी है बिल्कुल। सभी बच्चे सावधानी स्थिति में राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायति जय आई भारति भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उच्च कल वंगा विंदले मा चले यमुना गंगा ऊचले चले सितरंगा जब सुपना में जागे तब सुपना शिष मागे जाए सबसे गाता जन गण मंगल नाच जाता भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। बच्चों बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो बच्चों कल सबको बोला था कि अपना अपना फ्लैग लेकर आएंगे, जो अपना अपना फ्लैग लेकर नहीं आया है उसकी तो हालत खराब है समझ लो, बक्कल उतार दूंगा उसका। ध्यान रखना इस बात के लिए, फ्लैग लाए ना सब बच्चे अपना अपना। जी सर। तो मैंने तुमसे पहले कहा था ना झंडा ले लो, अब जो मास्टर मारेगा पीटीआई तो ले लो। तू ज्यादा पढ़ा लिखा मत, मैं सारा तो परेशान मत हो, तेरा भाई कर देगा। कहा था ना तेरे से झंडे ले आज कुटापो चढ़ाएगा पूरी क्लास देखेगी, पता चलेगा तेरे को। हाँ तो बच्चों अपना अपना झंडा निकाल लो, अब चेक करूंगा मैं, और जिस पे झंडा नहीं निकला कदम से बता रहा हूँ हड्डी पसली एक कर दूंगा आज, ठीक है? निकालो झंडा निकाल लो, अपना चेक कर रहा हूँ मैं। मैडम ये माइक पकड़ो आप, सागर बेटा झंडा वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे, ट्विंकल बेटा वेरी गुड। झंडा कहाँ है? एक मिनट झंडा सर मैं ला था अभी झंडे यहाँ क्या देख रहा हूँ कहीं थी। झंडा ले यो, झंडा ले यो, झंडा ले यो। It's not what it looks like. तुम्हें आज तमीज सिखाऊंगा मैं। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, चल तू तो होशियार बच्चा है, वेरी गुड। चलो ठीक है सब खड़े हो जाएंगे, अब फंक्शन स्टार्ट होगा स्कूल का। हाँ भाई पता चला किस पर कुटावा चढ़ा, इसलिए कह रहा हमसे पंगा मत लेगा, ठीक है ना? खड़ा हो जा तमीज में। अनुज बेटा इधर आओ, 15 अगस्त से बताओ क्या हुआ था। तो 15 अगस्त को मैडम मेरे दोस्त सागर पैदा हुआ था, तब से हम दोनों साथ है, मिलकर पार्टी करते खूब मजे करते हैं। माई जी तुझसे पूछते गलती गलती, सागर ही पैदा हुआ था, कुछ और भी हुआ था 15 अगस्त को? और का ना पता सर, मुझे सागर नहीं पता। जा चला था, मैं पढ़ा लिखा के बर्बाद कर दिया हमने, चल लाइन में लगा होता चुपचाप। सागर बेटा अब तुम आ जाओ, 15 अगस्त के बारे में बताओ। सबसे ज्यादा मैडम मेरे घर वाले मुझे बहुत काम करवाते हैं, मेरे से कपड़े धुलवा रहे हैं, बर्तन उंजवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, और सबसे मेन बात पढ़ने के लिए जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। फिर मुझे मेरा दोस्त अनुज मिला, इसने और मैंने बहुत मजे करे जब से मैं और ये आजाद है। बस तू भी ऐसा ही है, चल जा। वाह मेरे बच्चे तूने तो बिल्कुल मजा उठा दिया। बच्चे दोनों तो नालायक है बिल्कुल, ठीक है इनके बस की है नहीं कुछ, इन्होंने जो पढ़ा जो लिखा सब इन्होंने बता दिया, इन्होंने क्या करा अब तक। बड़ा दीपांशु तू आ जा, तू सबसे समझदार हमारे क्लास में, आगे 15 अगस्त के बारे में बता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर आ रहा हूँ। ठीक है ये ले, मुझे तेरे पे भरोसा बिल्कुल, पकड़ माइक। सबसे पहले मेरे सभी साथी
मेरे प्रिय सर और मेरे प्रिय मैडम सबका नमस्कार। तो जैसा कि सभी साथी जानते हैं आज भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस का 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में। जैसे हमारे वीर जवानों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सारे वीर जवानों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा। बहुत बढ़िया, तब जाएंगे बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे देश को आज़ादी हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं और हमारा देश अब इस बार 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत से महानुभवों का हाथ रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की संरचना करी, उन्होंने संविधान लिखा, जिसकी वजह से आज हम सभी बच्चे और ये टीचर और मैडम सब एक साथ खड़े हैं, एक कतार में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। नहीं तो उस वक्त आज से देश आज़ाद होने से पहले आपको पता ही हमारे देश में छुआछूत बहुत प्रचंड उसमें था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करके इसको ख़त्म करा और आज आप सभी वर्ग के लोग इसी वजह से एक साथ खड़े हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस उम्र में आप लोग खड़े हो, आप लोग पढ़ रहे हो, इस उम्र में हमारे देश के जवानों ने शहादत दी है, फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, खुदीराम बोस, आप लोगों की इस वक्त उम्र होगी कम से कम 17-18 साल, 14 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए, आज उन्हीं की वजह से हम आज़ाद हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद पी रहे हैं, आज़ाद सो रहे हैं। तो सभी एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे मैडम, बच्चों को तो बुला बुला के पूछ रहे हो 15 अगस्त के बारे में, आपको भी कुछ पता है या पैसे दे के टीचर बनी है? याद करो उन्हें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, दे के प्राणों का बलिदान, अमर शहीद कहलाए थे। मुझसे तो बोल दिया, तुम्हें भी कुछ पता है? लो मैडम माइक दो, चलो मैडम सुनो। सर तिरंगे का कभी झुकने नहीं देंगे, सिलसिला मोहब्बत का सनम, वतन से कभी रुकने नहीं देंगे। अरे वाह गुरु जी वाह, मजा मान गया। अरे गुरु जी रोमांटिक है, और तो कम माना है हमें, क्या है? ध्यान रखे, ध्यान रखे मैडम को, ले जाए कम ना है। कोई बच्चा डांस वगैरह करना चाहता है तो आगे आ जाए, आ जाओ। ऐसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा ढूंढे। तो सभी प्यारे बच्चों, अब हमारे बीच जो स्टूडेंट आने वाला है उसका नाम है पिंकल उर्फ पप्पू लहरी, ये आपको नागिन डांस करके दिखाएंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे ताली बजाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। तो सही बच्चे ताली बजाएंगे पिंकल उर्फ पप्पू लहरी के लिए, बच्चे ने बहुत अच्छा डांस, ये लो बेटा बहुत अच्छा, और सब बच्चे ताली बजाएंगे इनके लिए। जो अब हमारे स्कूल के सबसे होनहार बेटियां जो डांस परफॉर्मेंस करेंगी अपना, गीता और बबीता। मुझे करता है संग मेरे लड़का।
बनू बेटा इधर आओ जी मैम। लो पैसे समोसे लेकर के आ जाओ। अरे मैम सारे दो ना, क्या सरकारी माल में भी कंजूसी कर रही हो। सर देखना टाइम क्या हुआ, कहाँ रह गए बच्चे सारे? अरे कहाँ चले गए हैं, अब तक आए नहीं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं समोसे कोल्ड ड्रिंक का, बताओ। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। चलो कोई नहीं, देखता हूँ मैं। हेलो जी, राम राम जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें 7 in 1 और शेयर करें लाइक करें कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और बताना किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। ओके बाय।